अगर आप TVS Apache के साइलेंसर के साउंड को बदलना चाहते हैं और उसका पीछे से सिंपल मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो मेरी ये वीडियो जरूर देखें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बाइक वन मिंटू और राहुल के साथ, तो आइए देखते हैं। कृपया बाइक से संबंधित जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह है TVS Apache 180 RTR ABS वाली, और आपकी बाइक चाहे ABS हो या 160 हो या 180 हो, आप इसमें कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें पीछे से सिंपल मॉडिफिकेशन करने के लिए इसके मडगार्ड को यहाँ से पीछे से काट दिया गया है। आप चाहें तो इसको भी हटा सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से थोड़ा सा कम अच्छी लगेगी मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से चाहें तो इसको हटा सकते हैं, और यहाँ से आप इस पत्ती को लगा देंगे तो इस पर आप नंबर प्लेट को लगा सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके अंदर पल्सर 200 NS का इंडिकेटर लगाया गया है, जिससे इस बाइक का लुक पीछे से मेरे हिसाब से अच्छा लग रहा है। और जो साइलेंसर की बात की गई थी, तो यहाँ पर आप देख लें, इस साइलेंसर में कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि इसका कैसे करवाएं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक तरीका ये होता है कि इसकी जो ये पाइप होती है, इसके अंदर कोई लोहे की रॉड डाल के उसको ठोंक के आगे से तोड़ दिया जाता है, तो इसकी आवाज़ थोड़ी सी हैवी हो जाती है। लेकिन मेरे हिसाब से जब इसके आगे से इसको कटवा दिया गया है, तो इसकी आवाज़ भी अच्छी हो गई है, बहुत ज़्यादा आवाज़ भी नहीं है, सिंपल में एक अच्छी आवाज़ कही जा सकती है। और ऐसा करने से आपका फ़ायदा ये है कि जब आप बाद में इसको फिर से वही उसी स्थिति में करना चाहेंगे, तो आप यहाँ से वेल्डिंग करवा के एक पत्ती लगवा देंगे तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आप लोहे की रॉड से इसको तोड़ते हैं, तो फिर आपको नया साइलेंसर लगवाना पड़ेगा या साइलेंसर को कटवाना पड़ेगा। तो अब मैं आपको इसका साउंड चेक करवा देता हूं कि इसमें साउंड कैसा आ रहा है। तो आपने देख लिया, इसके साइलेंसर का साउंड भी अच्छा है, तो अगर आप चाहें तो इसको करवा सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो ये नंबर प्लेट लगाने के लिए है, तो आप इसमें नंबर प्लेट लगा सकते हैं, और चाहें तो आप इसको छोटी नंबर प्लेट लगा सकते हैं या और भी तरीका अपना सकते हैं। और अगर आप इस गार्ड को भी हटा देंगे तो पीछे से थोड़ा सा लुक अच्छा हो जाएगा। आप चाहें तो इसके अंदर मोटा टायर भी लगवा सकते हैं, लेकिन मोटा टायर लगाने से इसकी माइलेज कम हो जाएगी। तो अगर आपको ये सिंपल मॉडिफिकेशन पसंद हो, तो आप अपनी बाइक में कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई, कृपया मेरी इस वीडियो को लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।